हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपका यूट्यूब वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते हैं, उसका मेन रीज़न है कि आपका जो वीडियो है वो सामने वाले बंदे के पास पहुंचता ही नहीं है, तो CTR कहां से आएगा, इम्प्रेशन कहां से आएगा, मतलब इम्प्रेशन जनरेट नहीं हो रहा है आपके वीडियो पर, इम्प्रेशन जनरेट नहीं हो रहा है, आपका वीडियो लोगों के सामने नहीं जा रहा है, इसीलिए उस पर व्यूज़ नहीं आ रहा है। सो आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही सीक्रेट तरीका बताने वाले हैं जहाँ से आपके वीडियो के इम्प्रेशन जनरेट होंगे और आपकी वीडियो जो है लोगों के सामने जाएगी, और जिससे क्या है कि आपकी वीडियो पर CTR भी आएगा और फिर व्यूज अच्छे खासे आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इंप्रेशन आखिर बढ़ता कैसे है। इंप्रेशन दो तरीके से आता है। पहला होता है हमारा YouTube रिकमेंडेशन, कि हमारा वीडियो अगर YouTube के एल्गोरिथम में फिट बैठ जाता है तो फिर YouTube हमारे वीडियो को खुद सजेस्ट करने लगता है। लेकिन अगर हमारा वीडियो YouTube के एल्गोरिथम में फिट नहीं बैठता है तो फिर हम अपना वीडियो कैसे लोगों के पास पहुंचाएंगे? तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आपके सब्सक्राइबर भी नहीं है तो भी आप अपने वीडियो को लोगों के सामने पहुंचा सकते हो। वो तरीका है YouTube सर्च। अब YouTube सर्च का नाम सुन के बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियो छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन सभी को बता दें कि 70% से ज़्यादा व्यूज़ हमारे चैनल पर YouTube सर्च से आते हैं। 70% से ज़्यादा, आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो। YouTube सर्च होता है वो बहुत ही ज़्यादा काम का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ, जिस वेबसाइट पर अगर आप अपने वीडियो का टाइटल यहाँ पर पेस्ट करते हो, टाइटल जो भी आप अपने वीडियो का टाइटल रखना चाहते हो वो टाइटल इस वेबसाइट पर डालते हो, तो ये वेबसाइट आपके टाइटल के हिसाब से कुछ वायरल कीवर्ड जो YouTube सर्च में ज़्यादा टॉप में आएंगे उनको निकाल कर आपको दे देती है, और ये भी बता देती है कि इस पर कितनी रैंकिंग है, कितना कॉम्पिटिशन है। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, कोई भी ऐप आपको इंस्टॉल नहीं करना है। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, ये वीडियो आपके काफी हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको अपने वीडियो को यूट्यूब के सर्च में ले जाना है। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, गूगल क्रोम पर जाना है और वहां पर लिखना आपको कीवर्ड टूल डोमिनेटर। आप यहां पर स्पेलिंग देख सकते हो, कीवर्ड टूल डोमिनेटर। जैसे आप सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया है, और अब इसमें आप नीचे जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर गूगल कीवर्ड टूल मिल जाएगा। मतलब अगर आप वेबसाइट चलाते हैं यूट्यूब के साथ, अगर आप वेबसाइट चलाते हैं तो अपनी वेबसाइट के लिए भी आपको टैग लगाने पड़ते हैं, जो आर्टिकल लिखते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से SEO कर सकते हो, कीवर्ड वगैरह ढूंढ सकते हो। उसके नीचे है अमेजॉन कीवर्ड टूल, अगर आप अमेजॉन पर प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो उसके लिए भी रैंक करने के कीवर्ड होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। थर्ड नंबर पर आप देख सकते हो यहाँ पर यूट्यूब कीवर्ड टूल, और हमें इसी का काम करना है, तो हमें YouTube कीवर्ड टूल को सिंपली ओपन कर लेना है। जैसे ये पेज यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एंटर ए वीडियो टॉपिक और चैनल। तो आप यहाँ पर जो है अपना वीडियो का टॉपिक, मतलब जो भी आप अपने वीडियो का टाइटल रखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वेबसाइट है, ये आपका टाइटल भी खोज के देती है। अगर आपको टाइटल नहीं लगाना आता है तो यहाँ पर सिर्फ आपको अपना टॉपिक सर्च करना है। टॉपिक का मतलब है मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। आपके व्यूज़ नहीं आते हैं, आपके इम्प्रेशन नहीं आते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, या फिर हाउ टू इंक्रीज व्यूज़, या हमें ये टाइटल लगाना ही नहीं आता है तो YouTube व्यूज़ या YouTube व्यूज़ प्रॉब्लम, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली ये कीवर्ड लिख देना है, यहाँ पर देखिए व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ध्यान से देखना। उसके बाद ये वेबसाइट कह रही है कि ये कीवर्ड कौन से कंट्री में आपको देखना है, कि कितने नंबर पे है, कौन सी कंट्री के लिए वायरल टैग निकालने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ यूनाइटेड स्टेट लगा है, तो यहाँ पर हमें इंडिया लगा देना है। दोस्तों, हमने यहाँ पर इंडिया लगा दिया है। फिर यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश ही रहने देना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मोबाइल में डिफ़ॉल्ट इंग्लिश चलती है। और उसके बाद यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सिंपली सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से लोडिंग, कैलकुलेटिंग, पॉपुलरिटी स्कोर्स यहाँ पर आएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है, और ये जब तक चल रहा है प्रोसेसिंग तब तक आपके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो यार कर दो। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं इतनी देर में ही आपको 314 कीवर्ड यहाँ पर आ चुके हैं। 314 कीवर्ड में आप देख सकते हो टॉप 10 कीवर्ड भी यहाँ पर आ चुके हैं, जिनका स्कोर 97 से ऊपर है और 90 से ऊपर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला कीवर्ड है व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, तो इसकी सबसे टॉप में है क्योंकि हमने इसे सर्च किया है। सेकंड नंबर पे व्यूज़ कैसे बढ़ाएं इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो तो आप ये टॉपिक जो है कीवर्ड ले सकते हो। अलावा आपको क्या करना है, ये कीवर्ड है इनको टिक हटा देना है, और जो जो आपको सिलेक्ट करना है उनको एक एक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए व्यूज़ कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पर 90% स्कोर है, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं 2023 87% स्कोर है,
इसका व्यूज़ कैसे बढ़ा यूट्यूब पर 2022, ये भी 82% है। इसका स्कोर अब कम हो चुका है क्योंकि अभी 2022 निकल गया, और देखिए 2023 वाले का 87 है। लेकिन लगाना आपको ये भी है क्योंकि कुछ लोग अभी ये भी सर्च करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आगे देखिए इंस्टाग्राम वाला हमें छोड़ देना है, और फिर से हमें व्यूज़ कैसे बढ़ाएं शॉर्ट्स, क्योंकि लोग ये भी सर्च करते हैं कि शॉर्ट्स पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं। अब देखिए आपको ये कीवर्ड आइडिया नहीं थे, लेकिन इस वेबसाइट से आपको बहुत सारे कीवर्ड आइडिया मिल गए। अब देखिए यहाँ पर जो टॉप 5 में कीवर्ड आते हैं, जैसे टॉप 10 का निकाल के देती है ये, लेकिन आपको टॉप 5 कीवर्ड जो है अपने टॉपिक से रिलेटेड कॉपी करके अपने वीडियो में लगाना है। दूसरा, यहाँ पर आप अपने टाइटल को फिर से चेंज करना है, जैसे भी मैंने व्यूज़ कैसे बढ़ाएं लिखा, अब आप यहाँ पर लिख सकते हो इंग्लिश में हाउ टू इंक्रीज व्यूज़ ऑन यूट्यूब। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद फिर से ये हमारा सर्च हो रहा है, और सर्च होने के बाद में फिर से हमें कुछ ऐसे टॉप 10 कीवर्ड मिलेंगे, और जिनमें से हमें टॉप 5 कीवर्ड निकाल लेने हैं। और इस तरीके से आप बहुत अच्छे अच्छे वायरल कीवर्ड यहाँ से फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। देखिए टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है काफ़ी सारे लोगों के पास। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 97 इसका भी मिला। देखिए अगर हमने सर्च किया यहाँ पर हाउ टू इंक्रीज व्यूज़, लेकिन इसका भी जो सबसे टॉप कीवर्ड आ रहा है वो व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, मतलब ये कीवर्ड हमें लगाना ही लगाना पड़ेगा, चाहे आप हमें हिंदी में कीवर्ड टाइटल लगाना है, चाहे हमें इंग्लिश में लगाना है, ये कीवर्ड सबसे ज़्यादा जा रहा है व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, तो इस कीवर्ड को हमें ज़रूर लगाना है। और दोस्तों इसी के साथ इस वेबसाइट में एक और ख़ास बात है, आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे कि टॉप 10 यूनिक वर्ड बाय फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द कीवर्ड लिस्ट, मतलब जो आपने टाइटल सर्च किया है इस टाइटल में ऐसा कौन सा एक कीवर्ड है, एक ऐसा कौन सा वर्ड है जिस पर सबसे ज़्यादा सर्च आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यूज़, जो व्यूज़ है ये सबसे ज़्यादा राउंड आ रहा है देखिए, और जो यूट्यूब है वो उससे कम आ रहा है, टू है वो और कम आ रहा है, इस तरीके से है। तो हमें क्या करना है, व्यूज़ नाम से एक टैग जो है ज़रूर लगाना है, केवल व्यूज़, क्योंकि मेरा वीडियो व्यूज से रिलेटेड है। इसी तरीके से आप अपना टॉपिक यहाँ पर सर्च करेंगे, आपको कीवर्ड मिलेंगे। तो ये वेबसाइट है जिससे आप काफ़ी अच्छे अच्छे कीवर्ड को ढूंढ सकते हो और अपने वीडियो में लगाकर उस पर अच्छे अच्छे व्यूज़ गेन कर सकते हो, आपके वीडियो पर व्यूज़ बढ़ जाएंगे। दोस्तों कोई आपको कितना भी गुमराह करे कि आजकल यूट्यूब पर टैग काम नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ तो मेरे चैनल पर 70% से ज़्यादा व्यूज़ जो है यूट्यूब के सर्च से आते हैं। वो क्यों आते हैं, क्योंकि मैं अपने वीडियो में टैग लगाता हूँ, और टैग लगाता हूँ ढूंढ ढूंढ के टैग लगाता हूँ, अच्छे अच्छे टैग लगाता हूं, वायरल टैग लगाता हूं, इसीलिए मेरे चैनल पर 70% से ज्यादा व्यूज जो है यूट्यूब सर्च से आते हैं। भले ही आप मेरे रिसेंटली वीडियो पर व्यूज ना आते हैं, लेकिन अगर आप बैक में देखेंगे तो मेरे कुछ जो टॉप वीडियोस हैं वो देखेंगे तो सर्चेबल कंटेंट वाले हैं, मेरे वही वीडियो पर ज्यादा व्यूज आए हैं जो मैंने सर्चेबल कंटेंट बनाया है और जिनमें मैंने जो अच्छे अच्छे ढूंढ ढूंढ के कीवर्ड डाले हैं। तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे पे जब सर्चेबल कीवर्ड लगाता हूं तो व्यूज अच्छे आते हैं। तो आपको भी अपने पर सर्चेबल कीवर्ड लगाने हैं और वीडियो भी आपको सर्चेबल कीवर्ड पर बनाना चाहिए। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे ये सारी चीजें तो आपके भी व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में अपने चैनल का नाम जरूर मेंशन करना है, क्योंकि मैं आज सभी के चैनल को चेक करने वाला हूं। तो हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।